नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है K2S न्यूज चैनल में। आइए देखते हैं आज की ताजा खबरें। सवाईमाधोपुर जिले के गंगापुर सिटी सवाईमाधोपुर रोड स्थित मनमोहन एंटरप्राइजेज पेट्रोल पंप के पास पूर्णेश्वर महादेव मंदिर पर हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी मनमोहन अलका बजाज व समस्त मुनीम परिवार द्वारा अन्नकूट महाप्रसादी का आयोजन किया गया। इस मौके पर दूर दूर से हजारों लोगों ने प्रसादी का लुत्फ उठाया। आइए देखते हैं संवाददाता की रिपोर्ट। ये 10-15 साल हो गए, मुझे पक्का तो याद नहीं है, 15 साल तो हो ही गए कम से कम। कितने लोग भाग ले लेते हैं? 4-5 हज़ार आदमी आ जाते हैं। 4-5 हज़ार आदमी आ जाते हैं। आपको कैसा अनुभव होता है, क्या संदेश? मुझे बड़ी आपकी संतुष्टि मिलती है और ये सामाजिक समरसता का कार्यक्रम है। हमारे कृष्ण भगवान ने भी गोवर्धन के दिन पूजा करके सबको इकट्ठा किया था, तो इससे प्रेम भाव बना रहता है। गंगापुर सिटी के अग्रवाल महिला शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय में बीएड फाइनल की छात्राओं का विदाई समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि रामकेश मीणा आदिवासी द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ किया। इस दौरान महाविद्यालय की छात्राओं द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आइए देखते हैं विदाई समारोह की कुछ झलकियां। गंगापुर सिटी में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं द्वारा अमृत महोत्सव की सामान्य ज्ञान ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए विद्यालयों में जनसंपर्क किया गया। एबीवीपी के जिला संयोजक सीताराम गुजर ने बताया कि आज़ादी का अमृत महोत्सव के अवसर पर 12 दिसंबर को 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों की राज्य स्तरीय ऑनलाइन सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। आइए देखते हैं संवाददाता की रिपोर्ट। सवाईमाधोपुर जिले के बजीरपुर उपखंड में खेड़े वाले बालाजी के मंदिर पर ब्रह्मलीन संत श्री नारायण दास का भंडारे का आयोजन किया, जिसमें हजारों भक्तों ने प्रसादी ग्रहण की। इस मौके पर अखंड राम धुनी का भी आयोजन किया गया। आइए देखते हैं संवाददाता की रिपोर्ट। चले और प्रसाद का अनादर ना हो। परिचय पहले, परिचय। मैं पंडित विष्णु भट्ट वजीरपुर, हमारे सभी कार्यकर्ता बैठे हुए हैं। आज श्रीमान नारायण दास जी महाराज, हमारे श्री से 1008 श्री संत महात्मा, उनका जो है आज भंडारा है और गांव के आसपास के कम से कम सभी 40 गांवों के लोग यहां भंडारे में प्रसाद लेने आए हैं और सभी जो है स्वेच्छा से बढ़-बढ़ करके इसमें हिस्सा लेकर के, कोई शारीरिक श्रम कर रहा है, कोई मानसिक श्रम कर रहा है, कोई आर्थिक सहयोग से, ये सबके सहयोग से चलने वाले कार्यक्रम को संपन्न बना रहे हैं और 4.5-4 साल का ये जो रामधुनी चल रही है इसको और आगे बढ़ाने का बीड़ा हम लोगों ने उठाया है और सबके सहयोग से काम करेगा। इसके अलावा ये नया रिकंस्ट्रक्शन इस मंदिर का होगा, इसमें भी लोग बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं और काफी